हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है सैडलर कमीशन, जिसे कि हम द कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में यह सैडलर कमीशन है क्या और क्या थे इसके मेन रिकमेंडेशंस। सैडलर कमीशन यानी कि सैडलर आयोग का गठन 1917 में कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए किया गया था। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर माइकल ई सैडलर हु वॉज द वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लीड। लीड एक सिटी है जो कि इंग्लैंड में है। और इस कमीशन में और भी कई मेम्बर्स थे जिनका नाम था सर हैंगटोंग, डॉक्टर हॉर्नियल, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, सर आशुतोष मुखर्जी, डॉक्टर जियॉर्जी, प्रोफेसर रामसे। ये लोग भी सैडलर कमीशन के मेम्बर्स थे। कमीशन के मेम्बर्स ने कई सारी यूनिवर्सिटी सेंटर को विजिट किया एंड आफ्टर 17 मंथ्स उन्होंने एक अपना रिपोर्ट्स प्रिपेयर करके सबमिट किया, जिसमें सारी जो एडुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं उन सब के बारे में लिखा था। रिपोर्ट सबमिट 1919 को किया गया था। बट इस कमीशन की नीड क्या थी, इस कमीशन को क्यों बनाया गया, चलिए जानते हैं। सैडलर आयोग का गठन कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन तथा उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए किया गया था, लेकिन इसके सुझाव जो थे देश के सभी विश्वविद्यालय पर लागू किए गए थे। स्कूलों में इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा देने से विश्वविद्यालय को राहत देना इसका मेन मोटो था, क्योंकि जो लॉर्ड कर्जन के सक्सेसर थे उन्होंने कुछ एक्टिव इंटरेस्ट नहीं लिया था एडुकेशनल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। इसके चलते क्या हुआ, एडुकेशन सिस्टम काफ़ी ओवरलोडेड हो गया था। और इसलिए कमीशन ने सोचा कि सेकेंडरी एडुकेशन और यूनिवर्सिटी एडुकेशन को अलग अलग कर दिया जाए। और इसके रिजल्ट स्वरूप एक नया बोर्ड का निर्माण हुआ सेकेंडरी एडुकेशन के लिए। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं सेकेंडरी एडुकेशन और यूनिवर्सिटी एडुकेशन को प्रॉपर मैनेज करने के लिए और इनके सुधार के लिए इस कमीशन का गठन किया गया था। नाउ कमिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमीशन। इस कमीशन के मेन रिकमेंडेशन या सुझाव मेनली इन 5 पॉइंट के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। तो चलिए इन पॉइंट्स को इन डिटेल जानते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज द स्कूल कोर्स वॉज टू बी फॉर 12 ईयर्स, 10+2+3, जो कि आप लोग सब जानते ही होंगे। 10 यानी कि मैट्रिक, 12 यानी कि इंटरमीडिएट एंड 3 इज द डिग्री कोर्स, दैट इज द यूनिवर्सिटी कोर्स। पॉइंट नंबर 2 इज आफ्टर मैट्रिकुलेशन स्टूडेंट हैड टू पास इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, यानी कि मैट्रिक के बाद किसी भी स्टूडेंट को इंटरमीडिएट पास करना होगा। पॉइंट नंबर 3 में आपका ये लिखा है जैसे कि पहले आप मैट्रिक देने के बाद आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी चले जाते थे, बट अब वैसा नहीं होगा। अब आपको मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट पास करना होगा और इंटरमीडिएट पास करने के बाद आप यूनिवर्सिटी जा सकते हो। पॉइंट नंबर 4, इसमें कमीशन ने रिकमेंड किया कि एक सेपरेट बोर्ड फॉर सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट में इस्टेब्लिश किया जाए, एक अलग बोर्ड का निर्माण किया जाए। पॉइंट नंबर 5, इसमें कमीशन ने कहा कि द ड्यूरेशन ऑफ डिग्री कोर्सेज शुड बी लिमिटेड टू 3 ईयर, यानी कि जो टाइम लिमिट है डिग्री कोर्स की वो 3 साल की होनी चाहिए। अवधि जो होती है वो 3 साल की होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6 में कमीशन ने रिकमेंड किया कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन को इंकरेजमेंट दी जाए, यानी कि प्रमोशन किया जाए उनका, ताकि यहाँ पर भी बच्चे आए पढ़ने। पॉइंट नंबर 7, सेंट्रलाइज्ड रेजिडेंशियल टीचिंग यूनिवर्सिटी वेयर टू बी इंकरेज्ड। कमीशन ने सेंट्रलाइज्ड रेजिडेंशियल टीचिंग को इंकरेज करने की बात रखी। पॉइंट नंबर 8 इज अबाउट वुमेन एडुकेशन। वुमेन एडुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कमीशन ने एक स्पेशल बोर्ड का निर्माण करने का सुझाव दिया, ताकि वुमेन एडुकेशन को और इंकरेजमेंट मिले और उनका जो करिकुलम है उन्हीं की एडुकेशनल नीड के ऊपर बेस्ड हो। पॉइंट नंबर 9 इज अबाउट टीचर ट्रेनिंग। कमीशन ने रिकमेंड किया कि ट्रेन टीचर की नंबर इंक्रीज होनी चाहिए विदाउट एनी डिले, और एक डिपार्टमेंट ऑफ एडुकेशन का इस्टेब्लिशमेंट हो जो कि हो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में एंड डेका में। पॉइंट नंबर 10 इज टेक्निकल एंड वोकेशनल एडुकेशन। आयोग ने व्यावसायिक कॉलेज यानी कि वोकेशनल कॉलेज को खोलने की ओर भी सरकार का ध्यान खींचा, ताकि जो लोगों का इंटरेस्ट है यानी कि स्टूडेंट लोगों का इंटरेस्ट है इन कोर्सेज के प्रति भी जाए। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।